7 high paying skills every student must learn in 2023. मेरी फेवरेट तो स्किल नंबर 3 है, लेकिन स्किल नंबर 7 देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। मैंने ऑब्जर्व किया है कि आजकल स्टूडेंट्स बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस रहते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें कोई बस वो स्किल्स बता दे जिससे लाइफ में सक्सेस मिल सकती है, और वो लोग वो करने के लिए तैयार भी हैं। इसलिए काफी रिसर्च करने के बाद मैंने 7 ऐसी अंडररेटेड स्किल्स को ढूंढ निकाला है जिसे आप सिर्फ 2-3 वीक्स में सीख कर आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ कदम बढ़ा सकते हो। तो इसी बात पर क्या बात है लिखकर कमेंट कर देना। तो बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो कौन सी जॉब है जिसके लिए सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप 2.7 करोड़ पर ईयर सैलरी देने के लिए तैयार है, और इस जॉब में सीरियसली टेक बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। सो रिसेंटली ओपन AI का GPT-4, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग और गूगल का बार्ड, ये ऐसे AI के टूल्स हैं जिन्हें कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ फैंस मिल गए। ऐसे में सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप एंट्रोपी ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब निकाली जिसके लिए वो पर ईयर 2.7 करोड़ देने के लिए तैयार है। इसलिए स्किल नंबर 1 है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लेकिन सवाल यह है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या? आप में से बहुत से लोगों ने यह पहली बार सुना होगा। तो देखो, मिडजर्नी, ChatGPT, बार्ड कुछ ऐसे AI टूल्स हैं जिसमें हम प्रॉम्प्ट लिख कर देते हैं और हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो जो हम लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। एंड जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिडजर्नी पर लिखते हो अ नाइकी शू ऑन स्ट्रीट, तो आपको एक सिंपल सा फोटोग्राफ मिलेगा। पर अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखते हो Step into a cyberpunk realm where advanced technology and street fashion collide. Create a visual representation of a unique pair of Nike shoes, incorporating elements of high-tech gadgetry, holographic details, and bold, eye-catching colors. Emphasize how these shoes cater to the needs of the cyberpunk generation, enabling them to navigate the ever-changing urban landscape with style and ease. इतने डिटेल्स जितने से आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, है ना माइंड ब्लोइंग? AI सब कुछ कर सकता है, लेकिन उससे करवाना भी तो पड़ेगा। इसलिए अगर आप अमेजिंग प्रॉम्प्ट्स लिखना सीख जाओगे तो चौंका देने वाले रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। दैट्स व्हाई आने वाले 10 सालों में प्रॉम्प्ट इंजीनियर की वैल्यू स्काई रॉकेट होने वाली है। इनफैक्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को AI इंडस्ट्री में हॉटेस्ट जॉब माना जा रहा है, और बहुत सारे कंपनीज ने इस जॉब के लिए 6-figure सैलरी वाली जॉब लिस्ट करना स्टार्ट कर दी। इसे सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स तो नहीं, पर आप खुद से प्रॉम्प्ट लिखकर एक्सपेरिमेंट करो कि आपके कौन से क्वेश्चन पर सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ब्लॉग्स पढ़ो और यूट्यूब वीडियोज देखो। नंबर 2, लर्न टू बी रिसोर्सफुल, यानी जुगाड़ करना सीखो। हाँ, आपने सही सुना, इंडियंस जुगाड़ू माइंडसेट के लिए काफी पॉपुलर है। आपने लॉकडाउन में ये फोटोग्राफ तो देखा होगा, पुणे के इस टीचर ने घर से ऑनलाइन क्लासेस करवाने के लिए सीलिंग फैन से रस्सी और हैंगर लगाकर ट्राइपॉड लगाया था। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गो फिगर इट आउट, जस्ट जुगाड़ लगाओ। दो कैटेगरी के लोग होते हैं, पहला जो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के डिप्रेस रहते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आज मैं लाइफ में ये नहीं अचीव कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, और दूसरे कैटेगरी के लोग अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं और 1 by 1 सॉल्यूशन ढूंढकर उनका गोल अचीव करते हैं। अगर आपने आज तक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया है ये सोच करके मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है, लाइट माइक कुछ नहीं है, तो यार घर पे LED बल्ब तो होगा, स्मार्टफोन में कैमरा और एयरफोन्स में माइक तो होगा, उसी से क्वालिटी कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट करो ना। वीडियो में कलर ग्रेडिंग एंड नॉइज रिडक्शन कैसे करते हैं वो सीखो। बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं ये सोच करके मेरे पास स्किल सीखने के लिए महंगे रिसोर्सेज नहीं है। भाई, जिनको सीखना होता है वो सेल्फ लर्निंग और फ्री कोर्सेज से सीखकर आगे बढ़ चुके थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ग्रोथ माइंडसेट इंटर रिलेटेड है, इसलिए कंपनीज भी आजकल हायर करते टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉफ्ट स्किल्स में मानती है। वो ऐसे बंदे को काम पर रखना चाहते हैं जो कंपनीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके करियर में आगे बढ़े और कंपनी को भी आगे बढ़ाए। तो अगर आप किसी चीज में अटके हुए हो तो गूगल करो, ChatGPT से पूछो, यूट्यूब वीडियोस देखो, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स से पूछो और लाइफ में आगे बढ़ो। यही तो स्किल है जो जॉब मार्केट में आपको बहुत वैल्यूएबल पर्सन बना सकती है। ऑलराइट, अब मेरी फेवरेट स्किल को रिवील करने का टाइम आ गया। ये है द आर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग। मुझे आज भी याद है कि मुझे मेरे पहले स्पॉन्सरशिप कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू ही मिली थी। वेल, अगर आप किसी HR से रिप्लाई चाहते हो, ईमेल कॉपीराइटिंग करके कमाना चाहते हो, या अपने पॉडकास्ट के लिए सेलिब्रिटीज को इनवाइट करना चाहते हो, हर चीज में कोल्ड ईमेलिंग काम आती है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट स्किल है जो बहुत से लोगों को नहीं आती और वो बस सोचते रह जाते हैं कि हमें तो इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं, बाकियों के कैसे मिल जाती है। आज मैं अभी आपको कोल्ड ईमेलिंग के इफेक्टिव स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक क्रिएटिव सब्जेक्ट लिखो कि रिसीवर मेल खोलने के लिए मजबूर हो जाए। बट हाँ, आपको कुछ क्लिकबेट नहीं करना है, जस्ट यूज योर क्रिएटिविटी, लाइक आई एम नॉट योर एवरेज जॉब एप्लीकेंट, लेट मी शो यू व्हाई। कुछ और एग्जांपल्स स्क्रीन पर आप देख सकते हो। स्टेप नंबर 2 है, फर्स्ट 2 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन दो और आप उनको किस चीज में हेल्प कर सकते हो ये बताओ। स्टेप नंबर 3 है, सेकंड पैराग्राफ में आप उनकी कंपनीज के वीक एरियाज को पॉइंट आउट करो और उन्हें बताओ कि अपनी सर्विसेज के साथ आप उन्हें कैसे मदद कर सकते हो, और ब्रीफ में अपना एक्सपीरियंस भी लिख देना। और अगर इस कंपनी में आपने पहले इंटर्नशिप की हो या ये कंपनी के किसी एम्प्लॉय को आप जानते हो तो आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, फिर थर्ड पैराग्राफ में अपने स्किल्स मेंशन कर दो।
स्टेप नंबर 5 लास्ट पैराग्राफ में अपॉर्चुनिटी मांगो। और स्टेप नंबर 6 कोल्ड ईमेल तो आपने भेज दिया लेकिन रिप्लाई ना आने पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फॉलो अप मेल भेजना। फर्स्ट मेल भेजने के 3 दिन बाद आप फॉलो अप मेल लिख सकते हो, फिर 1 वीक बाद दोबारा मेल करो। ऐसा आप एज मेनी टाइम्स फॉलो अप कर सकते हो जब तक आपको रिप्लाई ना मिले। फॉलो अप करना ही रियल गेम चेंजिंग स्टेप है, इसलिए इसे भूलना मत। चलो फिलहाल बात करते हैं कि कुछ लोगों की इंप्रेसिव पर्सनालिटी होने के बाद भी कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है। इसलिए स्किल नंबर 4 है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप अपने दिल की बात ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो विदाउट एनी नर्वसनेस, उन्हें एंगेज कर सकते हो, तो इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप जब अपनी स्पीकिंग के थ्रू सर्टेन स्टेप्स लेने के लिए लोगों को इंस्पायर कर पाओगे तो इससे ज्यादा पावरफुल स्किल और कुछ नहीं हो सकती। सो स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग। ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, अपने ऑफिस में टीम लीड करो, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाओ, बेसिकली खुद को एक्सपोज करो। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट देन एवर। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें तो हिम्मत नहीं है सब करने की, तो ये स्किल सीखे कैसे, बताता हूँ। तो इससे पहले मैं स्किल नंबर 7 की बात करूँ जो करियर को लेकर आपका दिमाग खोल देगी, लेट्स फोकस ऑन स्किल नंबर 5, बी कोरेजियस एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग। एक बहुत फेमस कोट है, दे लाफ एट मी बिकॉज आई एम डिफरेंट बट आई लाफ एट देम बिकॉज दे आर ऑल द सेम। क्राउड से स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, और कुछ अलग करने के लिए चाहिए करेज। बीटेक पानीपुरी वाली का एग्जांपल देखो, वो आज पानीपुरी बेच के महीने के 9 लाख कमाती है। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिसमें लोगों ने हिम्मत दिखाई और कुछ हटके किया। अगर आप दूसरों से डिफरेंट हो तो वो बात एक्सेप्ट करो और प्राउड फील करो, ये करेजियस पर्सन की निशानी है। व्हाई आर यू अशेम्ड ऑफ योर लाइफ डिसीजंस? जस्ट बिकॉज आप जो करना चाहते हो वो किसी और ने पहले नहीं किया तो जरूरी नहीं कि आपका डिसीजन गलत है। ट्राई करो, फेल हो गए दोबारा कुछ और ट्राई करो। करेज एक ऐसी स्किल है जिससे आप लाइफ में रिस्क लेना सीखोगे और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को भी यूज कर पाओगे। मैं आज अगर किसी टेक कंपनी के लिए काम कर रहा होता तो इतना फुलफिल्ड फील नहीं करता। अगर मैंने फुल टाइम यूट्यूब करने का करेजियस स्टेप नहीं उठाया होता तो शायद आज मैं इतना खुश नहीं होता। करेज आपके लिए मल्टीपल दरवाजे खोल देते हैं। अगर आपको भी करेजियस बनना है तो आप ब्रेन ब्राउन की ये टेड टॉक जरूर सुनो। ब्रेन ब्राउन कहती है कि मैं अपने करियर में बेस्ट परफॉर्म करना चाहती हूँ। अगर मुझे बुरा भला कहने वाले लोग खुद अपने करियर में कुछ खास करने की हिम्मत नहीं रखते तो उनके फीडबैक में मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप करेजियस और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए 2 बुक्स पढ़ सकते हो। पहली द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी और दूसरी लीन बाय शेरिल सैंडबर्ग। लेकिन भले ही आप करेजियस फील करो और सेल्फ एक्सेप्टिंग बन जाओ, लेकिन अगर आप में क्रिएटिविटी ही नहीं है तो भूल जाओ ग्रोथ। इसलिए बात करते हैं स्किल नंबर 6 की जो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में 3 स्टेप्स हो सकते हैं, पहला ऑब्जर्व, दूसरा लर्न और तीसरा डिफरेंशिएट। अब फॉर एग्जांपल मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कौन से कैंडिडेट्स ऑलरेडी ये फील्ड में हाई पेइंग जॉब पा चुके हैं। इसलिए मैं लिंक्डइन पर सर्च कर सकता हूं और यूट्यूब पर इंटरव्यूज देख सकता हूं। फिर मैं सीखूंगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनको सक्सेस मिली। लिंक्डइन पे मैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देख सकता हूं, उनको कौन सी स्किल्स आती हैं, वो कहां काम कर चुके हैं, वो सब देखकर सीख सकता हूं। और फिर लास्टली आई विल डिफरेंशिएट कि ऐसा क्या है जो मैं उनसे अलग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में पैथन ज्यादा पॉपुलर है इसलिए मैं पैथन सीखूंगा। तो किसी की गलतियों से सीखो या सही कदमों से सीखो, जब आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तब आपका क्रिएटिव माइंडसेट काफी एक्टिव रहता है। क्रिएटिविटी पर टॉम केली की एक बहुत अच्छी किताब है, आप वो पढ़ सकते हो, उसका टाइटल है कॉन्टेजियस एंड क्रिएटिव कॉन्फिडेंस। फिलहाल बात करते हैं स्किल नंबर 7 की जिसके बारे में मुझे खुद रिसेंटली पता चला है, जो है बिल्ड योर ऑन पर्सनल ब्रांड। आज से 10 साल पहले आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल सिर्फ न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए काम आता था, आज आप अपने ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू पेड क्लाइंट्स ले सकते हो। अब मैं आपको इन्फ्लुएंसर बनने को तो नहीं कह रहा, लेकिन एक प्रोफेशनल लुकिंग ऑनलाइन प्रोफाइल होना इज अ मस्ट। इससे आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट दिखते हो, आपके काम को क्रेडिबिलिटी मिलती है और लोग आपको आपके नाम से आपके चेहरे से जानने लगते हैं। सबसे पहले तो चूज योर प्लेटफॉर्म, बेसिकली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अपनी प्रोफाइल को SEO ऑप्टिमाइज्ड रखो, अपडेटेड रखो और अपना वर्क शोकेस करो। डेवलप अ कंटेंट स्ट्रेटेजी, ऐसी वीडियोस या इन्फोग्राफिक्स पोस्ट करो जिससे आपके ऑडियंस को कुछ वैल्यू मिले, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करो एंड ऑल्सो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। लेट्स से आप एक कॉपीराइटर हो तो कॉपीराइटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड लर्निंग पोस्ट करो, इससे आपको फॉलोअर्स तो मिलेंगे ही साथ ही हाई पेइंग क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप मल्टीपल तरीके से पैसे कमा सकते हो। फर्स्टली आप पेड सोशल मीडिया प्रमोशन कर सकते हो, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी कि कोर्सेज भी सेल कर सकते हो। तो दोस्तों यही है वो 7 हाई वैल्यू स्किल्स जो सभी स्टूडेंट्स को 2023 में जरूर सीखने चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में क्या बात है जरूर लिखना। और यहां तक देख रहे हो तो लाइक के बिना मत जाना, मैं अब वीडियो को कर देता हूं समराइज। फर्स्ट स्किल थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सेकंड थी लर्न टू बी रिसोर्सफुल, थर्ड थी द आर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग, फोर्थ थी पब्लिक स्पीकिंग, फिफ्थ थी बी कोरेजियस एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग, सिक्स थी क्रिएटिविटी और सेवन्थ थी बिल्ड योर ऑन पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांडिंग पर गैरी वी की एक बहुत ही अच्छी बुक है क्रशिंग इट, आप ये जरूर पढ़िए। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।